हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन की आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 TCP/IP इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। ये तीन टॉपिक आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम एक एक करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ओ लेबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन नाम की एक प्लेलिस्ट है जहाँ से आप प्रीवियस सभी क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेट स्विचिंग की। स्विचिंग दो तरह की होती है, एक होता है पैकेट स्विचिंग और दूसरा होता है सर्किट स्विचिंग। इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट स्विचिंग संदेश को भेजने से पहले पैकेट्स में विभाजित करता है, मीन्स जो मैसेज होता है उसको सबसे पहले पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है उसको सेंड करने से पहले, और उसको सेंड करने के बाद उसे वापस उसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मीन्स जो मैसेज होता है उसको कई छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जब उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजा जाता है तो वापस उसको उसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है ये ए और दूसरा एक सिस्टम है हमारा यहाँ पर बी। अब कोई एक सिस्टम ए सिस्टम बी के पास कोई मैसेज भेज रहा तो वो मैसेज कई छोटे छोटे पैकेट्स में पहले डिवाइड कर दिया जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से पैकेट की ऑर्डरिंग हो जाएगी, एक सिंपल से एग्जांपल मान लेते हैं, और यहाँ पे ये सारे मैसेज इस सिस्टम के पास रिसीव होने हैं। तो हो सकता है यहाँ पर पैकेट नंबर 1 पहले आ जाए, फिर पैकेट नंबर 1 आए, और फिर इस तरीके से 3, मीन्स पहले हमारा पैकेट नंबर 2 पहुँच रहा है, फिर पैकेट नंबर 1, फिर उसके बाद पैकेट नंबर 3। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो मैसेज होता है उसको पैकेट्स में डिवाइड करना और सोर्स टू डेस्टिनेशन उसको पहुँचाना और प्लस उसी ऑर्डर में उसको रीअरेंज करने का काम करता है पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पे लास्ट की 3 लाइन में आप समझ सकते हैं पैकेट स्विचिंग संदेश को भेजने से पहले पैकेट में विभाजित करना, प्रत्येक पैकेट को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करना मीन्स सेंड करना, और फिर सभी को इच्छित गंतव्य मीन्स डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बाद मूल रूप से संदेश में फिर से जोड़ना मीन्स उन सभी पैकेट्स को आपस में जोड़ने के बाद सेम उसी मैसेज को दोबारा से जनरेट करने का काम होता है पैकेट स्विचिंग में। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पे खासतौर पर 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक है TCP और दूसरा होता है IP प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, जो कि 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं जिनका इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IP प्रोटोकॉल का काम होता है पैकेट के फॉर्मेट को सेट करना, और TCP जो प्रोटोकॉल होता है उसका काम होता है पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचाना। तो यहाँ पर दोनों प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। IP प्रोटोकॉल पैकेट के फॉर्मेट को सेट करता है और TCP उसे सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि IP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि कनेक्शन लेस होता है एक तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे गारंटी नहीं होती कि वो पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचेगा। इसके लिए यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल ये काम करता है कि उसे उस पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन 100% सेफ्टी के साथ वहाँ तक पहुँचाए। तो अब हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TCP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो TCP प्रोटोकॉल वर्क ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TCP प्रोटोकॉल OSI मॉडल की किस लेयर पे काम करता है। तो OSI एक मॉडल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप इन लेयर्स को याद करना चाहते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, APSTNDP। आप ये याद कर लीजिए और इससे आप 7 लेयर्स आराम से याद कर पाएंगे। ए का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, पी का मतलब है प्रेजेंटेशन, एस का मतलब है सेशन, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट, एन का मतलब नेटवर्क, डी का मतलब डेटा लिंक, और पी का मतलब होता है फिजिकल लेयर। तो ये टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अब TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो पहले पॉइंट में यही लिखा गया है कि TCP प्रोटोकॉल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल हमेशा IP प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है TCP प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल दैट वर्क विथ इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स IP प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है।
पैकेट को सेंड करने का काम होता है बेसिकली टीसीपी का, और आईपी का काम होता है पैकेट के फॉर्मेट को सेटअप करना। लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, टीसीपी एस्टैब्लिश या फुल डुप्लेक्स वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, मींस जहाँ पे हमें डेटा सेंड करना है उनके बीच में एक फुल डुप्लेक्स वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है ए और दूसरा एक सिस्टम है बी। अब इन दोनों के बीच में हमें डेटा सेंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे हम टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये फुल डुप्लेक्स वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करेगा, मींस यहाँ पे डेटा पैकेट्स हमारे जाएंगे और इधर से ACK आएगा जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। मींस अगर हमारा डेटा पैकेट 1 यहाँ पे पहुँचता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ जाएगा कि ये पैकेट यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है तो ये पहले अपने पाथ को सेटअप करता है, उसके बाद उसी पाथ के माध्यम से जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं उनको सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजने का काम करता है, और जैसे जैसे वहाँ पे पैकेट्स पहुँचते जाते हैं उन सभी का एक्नॉलेजमेंट जहाँ से वो पैकेट भेजा गया है उसके पास वापस भेज दिया जाता है कि ये पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँच चुका है। और कुछ ऐसे भी पैकेट्स होते हैं जो बीच में लॉस हो जाते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट से हमें ये पता चलता है कौन सा पैकेट नहीं पहुँचा है तो उसको दोबारा से भेजा जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाती है कि जो भी हम मैसेज के डेटा पैकेट्स भेज रहे हैं वो सोर्स टू डेस्टिनेशन 100% पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि गारंटी देता है कि आपका जो डेटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रॉपर तरीके से भेजा जा रहा है। ओके, तो आगे एक पॉइंट हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे OSI मॉडल का एक लेआउट देख लीजिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे निचली लेयर यहाँ पे फिजिकल लेयर है, उसके जस्ट ऊपर होती है डेटा लिंक लेयर, और फिर इसके बाद होती है नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, और फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर पे या प्रेजेंटेशन लेयर पे या सेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FTP, टेलनेट, DNS, SNMP और NFS, ये सभी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के बीच में काम करते हैं। अगर हम TCP और UDP प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे TCP हमेशा IP प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है, इसका काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा पैकेट्स को पहुँचाना। अब इसी तरीके से यहाँ पे UDP एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी TCP की तरह से काम करता है, बस इसका काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल डेटा पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचाने का काम करते हैं, और ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो ICMP, IGMP, IP, मीन्स यहाँ पे IP प्रोटोकॉल कहाँ पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, जबकि TCP कहाँ पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये याद रखिएगा ARP, RARP ये सभी प्रोटोकॉल कहाँ पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे। तो आप इसको अलग से कहीं पे नोट डाउन कीजिए कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है। तो सिर्फ एक इस डायग्राम से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैंने समराइज करके एक सिंपल सी पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, इससे आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं IP प्रोटोकॉल की, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, मीन्स यहाँ पे जब डेटा पैकेट अगर इसके माध्यम से भेजा जाएगा तो ये सिक्योरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन रहित मींस कनेक्शन लेस होता है, और अनरिलायबल मींस अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है, या डेटा को सफलतापूर्वक सेंड करने की कोई गारंटी नहीं देता है, मींस इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, जो भी डेटा पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज पाएगा। अगर ये डेटा पैकेट्स नहीं भेज पाता है तो किसी भी तरीके का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देता है कि जो आपने डेटा पैकेट दिया था उसको मैंने पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। इसी वजह से यहाँ पे इसके साथ में TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो इसे विश्वसनीय बनाने के लिए इसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर विश्वसनीय प्रोटोकॉल जैसे TCP के साथ में जोड़ा जाता है, मीन्स हमेशा ये TCP प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है, कभी सिंगल IP प्रोटोकॉल अकेला काम नहीं करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को एक डेटाग्राम के रूप में, मीन्स डेटा पैकेट्स के रूप में उसे फॉर्मेट करता है ताकि उसे TCP
प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सके या सेंड किया जा सके। ओके, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे भी कई सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और इस तरह के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको कहीं पे अलग से नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे यहाँ पे डेटाग्राम की जो लेंथ होती है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा सेटअप किए जाते हैं डेटाग्राम्स, उनकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, मीन्स फिक्स नहीं होती है। डेटाग्राम की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती है, या फिर वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। यहाँ पे डेटाग्राम की लेंथ को फिक्स नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, द डेटाग्राम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। जो हमारा डेटाग्राम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हेडर और दूसरा होता है डेटा। अब ये यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से समझिए, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे हेडर है। हेडर सेक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, तो इन दो पार्ट्स में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस रखा जाता है हेडर सेक्शन में, कि ये डेटा ग्राम कहाँ से या किस मशीन से भेजा जा रहा है और इस डेटाग्राम को किस मशीन तक भेजना है। तो यहाँ पे दोनों के एड्रेसेस रहते हैं, और यहाँ पे जो डेटा वाला सेक्शन होता है इसके अंदर वो डेटा रखा जाता है जिसको ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफ़र करना है। अगला है, लेंथ ऑफ हेडर इज 20 to 60 byte, मीन्स यहाँ पे जो हेडर होता है ये पहला पार्ट, उसकी जो साइज की बात करें तो ये 20 to 60 bytes तक का इसका साइज हो सकता है। और अगला पॉइंट देखिए, द हेडर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर रूटिंग एंड डिलीवरी ऑफ द पैकेट, मीन्स हेडर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैकेट कहाँ पे भेजा जाएगा और ये कहाँ से भेजा जा रहा है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हेडर में स्टोर की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, देर आर करेंटली टू वर्जन्स इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप सभी को पता होगा दो तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का साइज होता है 32 bit और IPv6 का साइज होता है 128 bit। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।